हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वरुण बीवरेज के स्टॉक की, और आप देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज़ इस पर बहुत ही ब्यूलिश हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, एंड दे आर गिविंग ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹173 ऑन दिस स्टॉक। तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके टारगेट का टाइम पीरियड भी जानेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स भी स्टडी करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जानेंगे। देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसकी बिजनेस आउटलुक किस तरह की रह सकती है। आप एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे चैनल SMII को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले वरुण बीवरेज के टारगेट को जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज़ वरुण बीवरेज पे बहुत ही ब्यूलिश है, 1073 का टारगेट दे रहे हैं फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो देखा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया टारगेट सुजेस्ट किए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के पहले डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये 1995 में शुरू हुई थी। इसका मार्केट कैप देखें तो दैट इज़ नियरली 38,944.83 करोड़। एंड दिस कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन द FMCG सेक्टर एंड इट्स की प्रोडक्ट्स एंड रेवन्यू सेगमेंट्स इंक्लूड्स द बीवरेजेज अदर ऑपरेटिंग रेवन्यू एंड अदर सर्विसेज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो इस कंपनी के जो मेन बिजनेस रेवन्यू है दैट इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीवरेजेज। तो आइए इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल जान लेते हैं। तो इस कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं दैट इज़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2021। इसकी जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम थी दैट वाज रिपोर्टेड टू बी ₹2,477 करोड़ एंड इट वाज रिड्यूस्ड बाई 1.20% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड दिस इज इंक्रीज बाई 37.17% ऑन ईयर बेसिस। तो आप देख सकते हो इसके जो नंबर्स हैं बहुत ही मिक्स देखने को मिल रहे हैं। और यदि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो दैट इज़ नियरली ₹257 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के अब इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं कि हमें इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसकी बिजनेस आउटलुक किस तरह की निकल कर आ रही है। इम्प्रूविंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सॉलिड बिजनेस मॉडल विद वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद द रिवर्स्ड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दैट इज लो पर कैपिटा कंजम्पशन, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन विद राइजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन मेक्स द वरुण बीवरेज लिमिटेड एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बेट। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही रोबस्ट निकल कर आ रहा है और इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती जा रही है और इसका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए इसके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं बहुत ही रोबस्ट निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके पेनिट्रेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। डिफरेंट जो डेमोग्राफिक्स पेनिट्रेशन की देखें तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रही है और राइजिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण भी इस कंपनी की जो बिजनेस आउटलुक है वो आपको पॉजिटिव दिख रही है। एंड द इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक इन द प्राइस बैंड ऑफ ₹908 to ₹916 एंड एड मोर ऑन डिप्स एट ए लेवल ऑफ 870 to 823 फॉर ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹900 एज पर द गिवन डाटा। तो बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निकल पैरामीटर्स इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश। तो आइए अब हम इस कंपनी की जो प्राइस है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे के दिन स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड हो देखा गया था, बहुत ही बड़ा क्रैश देखा गया था वर्ल्ड लेवल पे कोविड के पेंडेमिक के कारण। आपको पता है अब नए जो कंसर्न्स आए हैं, जो साउथ अफ्रीका में नया वायरस का जो म्यूटेशन आया है, जो म्यूटेड जो वायरस आया है उसके कारण अब वर्ल्ड लेवल पे जो है लॉकडाउन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, इसीलिए कल स्टॉक मार्केट ने बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखा गया है।
तो इस स्टॉक में भी आपको 3.01% की जो करेक्शन है वो देखने को मिल गई है। लेकिन यदि इसका लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो आप देख सकते हो 1 मंथ में 7.22% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 मंथ में 4.03% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, 1 ईयर में अभी भी इस स्टॉक ने 70% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। 3 ईयर का डाटा देखें तो 158% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 ईयर का डाटा देखें तो इस स्टॉक में 355% के मल्टीपैगर रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग रन में ये जो स्टॉक है क्लियरली एक मल्टीबैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी आपको जो है वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है, लेकिन ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक निकल कर आ रहा है। यदि इस कंपनी के की मेट्रिक्स देखें तो पीई रेशियो इज़ 58.18, ईपीएस टी टी एम इज़ 15.19, डिविडेंड यील्ड इज़ नियरली 0.28, मार्केट कैप इसका 38,274 करोड़ का है और मार्केट कैप रैंक इज़ 11, एंड मार्केट कैप पर शेयर देखें तो वो 4.10 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई इसने 1016 का लगाया है, 52 वीक लो जो है वो 500 का है। तो लास्ट 52 वीक्स में इसने अपने लोएस्ट लेवल से नियरली डबल को टच कर लिया है, डबल हायर को टच कर लिया है। प्राइस टू बुक रेशो इज़ 11, बीटा जो है 1 मंथ का 1.07 है, बीटा वैल्यू पर शेयर देखें तो वो 82.88 का है। और यदि इस कंपनी की फेस वैल्यू देखें तो वो आप देख सकते हो 10 की है, बुक वैल्यू पर शेयर की 82.88 की निकल कर आ रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के जो फाइनेंशियल्स हैं डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो सितंबर में इसकी जो टोटल इनकम का डाटा है वो आप देख सकते हो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, जून में ये पॉजिटिव था, सितंबर में डाउन है। टोटल एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, ईबीआईटी इज आल्सो रिड्यूसिंग, पैट इज रिड्यूस्ड, ईबीआईटी मार्जिन इज रिड्यूसिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज रिड्यूसिंग, ईपीएस इज आल्सो रिड्यूसिंग ऑन सितंबर 21 क्वार्टर। तो आइए अब हम इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो 66% से रिड्यूस होके 64.89% हो गई है फ्रॉम द मार्च 21 टू सितंबर 21 क्वार्टर। लेकिन यदि एफआईआईज का डाटा देखें तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। मार्च 21 में जो एफआईआईज थे उनके पास 20.28% का स्टेक था, जो कि सितंबर 21 में बढ़ के 21.72% हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। डीआईआईज का डाटा देखें तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और डीआईआईज का जो स्टेक है इस कंपनी में वो इंक्रीज हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस स्टॉक में अपना जो स्टेक है वो रेज कर रहे हैं। लेकिन अदर्स का एंड पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पर जरूर आपको रिड्यूसिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इन ओवरऑल बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि इस स्टॉक पे डिफरेंट एनालिस्ट की रिकमेंडेशन देखें तो हमारे पास 14 रिकमेंडेशन टोटल आई हुई हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग बाई है वो 10 की है एंड बाई की 4 पे आई हुई हैं। तो आप देख सकते हो इसकी जो ओवरऑल रिकमेंडेशन है दैट इज़ एट स्ट्रॉन्ग बाई। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आपको बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। अब इस स्टॉक में आपको थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल रही है लास्ट 1 मंथ से, तो इसलिए ये एक अच्छा मौका है कि आप इस स्टॉक में जो है इंटर कर सकते हो। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी जो है आपको ग्रोथ शो कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आउटलुक इस कंपनी की बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, वैसे वैसे इस कंपनी के जो बिजनेस में भी आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, इसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये जो शेयर है आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो है वो दे सकता है। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे वीडियो को सुना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करने होंगे और उनमें ही अपना जो पैसा है वो लगाना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म में आपका जो पैसा है वो लूज़ भी हो सकता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें और कभी भी लंपसम में इन्वेस्टमेंट ना करें और सिप के थ्रू एवरेज करके ही किसी भी स्टॉक में इंटर करें।
सो जब भी कोई करेक्शन आती है तो आप उस स्टॉक को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आजकल वॉलेटिलिटी चल रही है तो आप सिप के थ्रू अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो।